हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी ब्लॉग्स। तो कल के ब्लॉग में हमने बात करी थी लव और अरेंज मैरिज को लेकर। इसी टॉपिक को आज हम थोड़ा और बढ़ाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली हो गया, पार्टनर हो गया, उसको ये साथ। तो सबसे पहले लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जैसा हमने पहले ही कहा था कि इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि जब आप लव मैरिज करते हैं तो आपकी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो थोड़ा सा शादी के बाद आपको एक हेल्प सी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज में नहीं मिलती है, अरेंज मैरिज में भी मिलती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी हो जाने के बाद ये आपकी और परिवार दोनों की कोशिश आपको करनी पड़ती है। मतलब दोनों साइड से ये कोशिश होनी चाहिए कि आप परिवार में तालमेल बिठा सकें, सिर्फ एक ही साइड की कोशिश होने से नहीं होता है। सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमने शादी तो कर ली अब, लेकिन शादी के एक साल में या छः महीने में वो कहते हैं कि वो बात नहीं रही, हमें मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, खाली कर ली शादी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार शादी कर ली तो उसके बाद फ्री हो गए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एफर्ट्स शादी के बाद ही शुरू होते हैं, शादी के बाद ही एक जो असल क्या कह सकते हैं हम यात्रा, वो शुरू होती है कि आप कैसे, आप और आपके पार्टनर की कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप उसको एफर्ट्स दे रहे हैं, कैसे उस रिलेशन को ग्रो कर रहे हैं, ये एक शादी के बाद ही असली में पहचान में आता है। उससे पहले तो आप सिंगल सिंगल थे, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे थे, अब यहाँ पे जब आप एक छत के नीचे आते हैं तो असली यात्रा आपकी शुरू होती है। जहाँ तक बात है परिवार की एक्सपेक्टेशंस की, तो शादी के बाद मेरे ख्याल से चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, परिवार की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि शादी करने के बाद जो भी मेंबर आपके घर में आ रहा है वो आपके परिवार का सम्मान करे, ठीक है, वो आपके परिवार में जो भी है उनकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। सेम सामने वाला भी यही चाहता है, जो भी नया मेंबर शादी करके घर पे आया है आप भी उसका सम्मान करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और ये कोशिश दोनों साइड से होती है और ये यही कोशिश होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी घर में नए जा रहे हैं तो वो भी आप लोगों को तभी अपनाएंगे जब आप रेडी होंगे खुले दिल से उनको अपनाने के लिए, तो तभी एक धीरे धीरे करके एक बॉन्ड बनेगा आपके में और आपके नए परिवार में जहाँ भी आप जा रहे हैं, ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके एक रिश्ता ग्रो होता है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार की कोई अलग से कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, सिवाय इसके कि आप उनका मान रखें, सम्मान रखें, ठीक है, आप उस परिवार का ध्यान रखें उसी तरीके से जैसे आप अपने पेरेंट्स का रखते हैं, है ना। आप अपनी जहाँ जिस फैमिली से आए हैं उस फैमिली की आप जिस तरीके से केयर करते हैं वैसे ही आप अपनी नई फैमिली की भी करेंगे, ठीक है। वो और ये कोशिश दोनों साइड से होती है, तभी एक शादी भी सफल होती है। जहाँ तक पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को हम क्या समझते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे क्या करे, हमें समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी केयर करे, ठीक है, और हमें प्यार करे। सेम ऐसे हमें अपने पार्टनर के लिए भी सोचना है और हमारी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सेम हमें भी यही करना चाहिए, सामने वाले पार्टनर को भी यही करना चाहिए, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, उसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करो, है ना। और एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, क्लियर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अगर आप जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कुछ डिस्कस नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं ये बातें अपने अंदर ही अंदर रखूंगी, मेरे पार्टनर को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो कोई अंतर्यामी होता नहीं है, तो आपको बतानी पड़ेंगी, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी। तो शादी में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। जहाँ तक बात आती है रिस्पेक्ट की, तो बिल्कुल ही चाहे शादी कैसी भी आप कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, लव कर रहे हो, रिस्पेक्ट दोनों में बहुत ज़रूरी है, वो लड़के की साइड से हो चाहे लड़के की साइड से हो, ठीक है। अब्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो अब्यूज़ फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है, या इमोशनली हो। आप एक दूसरे को गलत चीज़ें ना कहें, हाथ ना उठाएं, ठीक है, किसी की फैमिली के लिए गलत ना कहें, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता बिगड़ेगा। और कहीं हद तक ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में भी दिखाते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में, सोसाइटी वाले या फैमिली वाले परिवार वाले भी ये कहते हैं कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया या गाली दे दी या फिर हाथ ही उठा दिया, ठीक है, पति ने पत्नी पे उठा दिया, पत्नी ने पति पे उठा दिया, ठीक है, किसी ने किसी को गाली दे दी, तो ये सब चलता है, तो क्यों चलता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता है, एक गलत सोच है, ठीक है। इस अगर आप इसके साथ अगर आप अपनी शादी लेके चलेंगे, सोचें कि नहीं शादी के साथ तो ये भी आता है, तो शादी के साथ बिल्कुल ये नहीं आता है। अगर आपकी शादी में ये चीज़ें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये रिश्ता कहीं ना कहीं खतरे में है। खतरे में है क्या, खतरे में हो गया है, क्योंकि जब ये चीज़ आई गई है तो रिश्ता खतरे में हो ही गया है। क्योंकि फिर जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो एक दूसरे के प्रति जो आपका एक रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, वो सब
हो जाता है, आप बस एक अजनबी की तरह उस रिश्ते को निभा रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आई थिंक परिवार और सोसाइटी से ही आती है, और धीरे धीरे अभी भी ये बहुत, हम लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, आधुनिक हो रही है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाहरी तौर से हो रही है, लोगों का पहनावा और रहन सहन बदल रहा है, और अगर हो भी रही है तो मेरे को लगता है बहुत ही थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे, बहुत ही स्लो, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों की सोच ऐसी है, मानसिकता ऐसी है कि पत्नी ने अगर कुछ कह दिया, गलत कह दिया, या पति ने कुछ हाथ उठा दिया या गाली दे दी, तो ये बहुत आम बात है। ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसा आप कर रहे हैं आपका बच्चा भी वैसे ही सीखेगा, समाज को भी फिर वो क्या दे रहा है, यही देगा गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, तो ये चीज़ें रिश्ते में नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। सिर्फ शादी की एक अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर मत सोचिए, जब आप शादी कर रहे हैं तो ओवरऑल चीज़ें देखिए। और इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर पे अपने बच्चों को, या जैसे भी हमारे घर के बड़े हैं, कल के दिन जो भी शादी करते हैं वो पेरेंट्स बनेंगे, ये चीज़ अपने घर पे रखिए कि हाँ ये मेरी वाइफ है, मैं इसका सम्मान कर रहा हूँ। तभी आपका बच्चा भी देखेगा कि वाह, मेरे जो फादर मदर हैं एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कोई फिजिकल वायलेंस या अब्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चा भी वहीं सीखेगा और समाज को वहीं देगा, कल के दिन पॉजिटिव चीज़ें ही देगा, अच्छी चीज़ें ही देगा, यहीं से शिक्षा घर से बेहतर होगी तो बाहर भी अच्छी जाएगी, ठीक है। और अगर घर पे ही अगर देख रहा है बच्चा कि फादर मेरी मदर को ऐसा कह रहे हैं, या मदर कैसा कर रही है घर पे फादर को ऐसा कह रही है, तो बच्चा भी यही सीखेगा, उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, वो तो सोचेगा कि नहीं ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बिल्कुल भी ना कहें कि ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, जैसे फिजिकल अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, गाली देना, हाथ उठाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है शादी में। तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों का साथ दें, अगर कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो लड़के के साथ हो रहा हो, चाहे लड़की के साथ हो रहा हो, तो उस चीज़ को आप बढ़ावा ना दें, उस चीज़ को उस समय पे अपने बच्चों के साथ रहें, कि हाँ अगर गलत हो रहा है तो हमें बताओ, कल के दिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि ऐसा तो घर, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को गाली दे सुनने के लिए या फिर किसी की मार खाने के लिए शादी नहीं करवाई होती है, ठीक है। अगर उसे गाली सुननी होगी या मारी खानी होगी तो वो अपने घर पे खाएगा, किसी शादी करके किसी दूसरे घर में जाकर क्या ही मतलब बनता है ये सब करने का, है ना। तो ये सोच मेरे ख्याल से परिवार से आती है। इस चीज़ को जब तक परिवार ना बोलेगा कि नहीं ये चीज़, परिवार जब बताएगा अपने बच्चों को कि ये चीज़ सही नहीं है, तो तब तक ये चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसी चलती रहेंगी हमारे समाज में। जिस दिन परिवार ने कह दिया कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल मत सहना, हमको बताना, उस दिन ये चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक होंगी। तो यहाँ पे परिवार का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं शादी को लेके, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ के बारे में और भी बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, देखते रहिए। और अगर आपके पास कोई से भी कमेंट्स हैं, आपकी राय हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, हम उनके बारे में भी बातें करेंगे।